हेलो गाइस, श्रुति रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटन कबाब। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मटन लिया हुआ है, इसका हम कबाब बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिया हुआ है और मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही लिए हुए हैं और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सब 1-1 चम्मच लिया हुआ है। आप मटन के हिसाब से ले सकते हैं। और सारे मसालों को मैंने ऐड कर लिया है। ये मैंने यहाँ पर हरी धनिया लिया हुआ है, थोड़ा सा कलर फूड कलर डाला हुआ है और 2 चम्मच मैंने तेल लिया हुआ है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। मैंने इसको आधा घंटा ही रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये सब मिक्स हो जाने के बाद हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो मैंने इसको रेस्ट के लिए रखूंगी मिक्स करके अच्छे से। आधे घंटे हो जाएंगे मेरे से, ये मैंने ढक के रख दिया। आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम देख सकते हैं एकदम से मस्त से हो गया है। स्टेवर्स ये मैंने भिगा के रखे हुए थे ताकि ये जले ना, तो स्टेवर से हम इसको एक एक मटन को इसमें स्टेवर में लगाएंगे। तो स्टीवर में लगाने के बाद ये देखो इस तरह से हम इसको बीच में से ऐसे लगाएंगे। तो मैंने 4-5 मेरा होगा, ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी सबको बीच से अच्छे से लगाना, ताकि साइड से लगेगा तो वो निकल जाएगा। तो अच्छे से लगना चाहिए ताकि स्टीवर से बाहर फ्राई करते समय निकले ना। तो इस तरह से सबको अच्छे से हम पूरा स्टीवर में फिट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से प्लेट में रख लेंगे सारे, मैंने इस तरह से लगा के रख लिए, आप देख सकते हैं स्टीवर्स में। और फिर हम यहाँ पर कढ़ाई ले लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लेना है, मीडियम 2 से 3 चम्मच तेल में भी हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच तेल गरम किया हुआ है और इसमें 2 से 3-4 जितना आपका कढ़ाई में आ जाओ उतना आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 मेरा बैठा तो मैंने 4 किया, ऊपर से थोड़ा सा मसाला उसी में से मैं और लगा दूँ। इसको ढक के पकाएंगे तो ढकने से जल्दी पक जाता है। तो ये मटन का है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मैंने थोड़ा मसाला इसमें जो था उसी को हम इसमें यूज कर लेंगे। ऊपर में इसको पलटेंगे तो उस हिसाब से इसमें मैंने मसाला डाला था, इस हिसाब से इसको हम पलट लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। फिर से ढक के पकाएंगे ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाए। वह आप में जल्दी से पकता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और इस तरह से तेल में इसको तरह से हिलाएंगे ताकि अच्छे से और फ्राई हो जाए सारी तरफ से। ये हमारा हो गया है रेडी, इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यम्मी टेस्टी दिख रहा है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं घर पे ही आसानी से। और उसके बाद फिर ये हमारा रेडी हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। अब ऐसा ही और भी दूसरे फिर से और जो हमारा है स्टोरेज में उसको हम फिर से इसमें एक एक करके इस तरह से डाल के इसको भी इसी प्रोसेस से हम इसको भी फ्राई करेंगे। ये भी हो गया है हमारा रेडी। अब इसको ये हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर स्टील का लिए हुए हैं, जिससे ऊपर से थोड़ा सा इसमें बटर लगा के इसको थोड़ा सा और होटल स्टाइल में करेंगे। तो इस तरह से हम इसको होटल स्टाइल में भी कर दिए हैं, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, इसमें ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डालेंगे इसको भी और ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब खास आप इसको सर्व करें अच्छे से चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड आप इंजॉय करें कबाब को। आप इसको सर्व करें प्लेट में, ये हो गया है रेडी। और इस तरह से आप इसको सर्व करके खा सकते हैं।